हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, कि किसी भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एस की क्या वैल्यूज हैं जो जिनको हम रूट्स कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने कहा कि से आज का जो टॉपिक है वो ये है रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर टॉपिक लिखा आज का से रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसमें मान लीजिए एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हम सब लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए ये दिया हुआ है जी एस, ये आउटपुट हो गया सी एस, और सॉरी ये प्लस किया हमने, यहाँ पे इनपुट हो गया ये आर एस, और ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट कर दिया। तो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। अब इसका क्लोज लूप सिस्टम है कंट्रोल सिस्टम। अब इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होगा आउटपुट बटे इनपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया आपका जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी वन प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी एस एच एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वन। अब इसका अगर हम मॉड ऑफ जी एस एच एस निकालें तो मॉड ऑफ जी एस एच एस कितना हो जाएगा, वन, और एंगल ऑफ जी एस एच एस हम लिखेंगे तो एंगल ऑफ जी एस एच एस हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 180 डिग्री इंटू टू के प्लस वन, जहाँ पे के की वैल्यू क्या है, तो वेयर के इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो देखिए, ये जो दो कंडीशन आती है, इन दोनों कंडीशंस को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड एंड एंगल कंडीशन। यानी ये जो इक्वेशन आई, इक्वेशन वन और ये मान लीजिए इक्वेशन टू, तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, दीज टू आर कॉल्ड, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड कंडीशन, मैग्नीट्यूड कंडीशन, और ये हो गया आपका एंगल कंडीशन, ये और ये हो गया एंगल कंडीशन। तो द रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द अबव टू कंडीशंस, और इन अदर वर्ड वी कैन से द वैल्यूज ऑफ एस विच सेटिस्फाई द अबव सेट कंडीशन आर द रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी इन दोनों कंडीशन को, ठीक है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एस की वो वैल्यूज जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो रूट्स कहलाते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, या उन्हीं को हम पोल्स भी कहते हैं, या वो पोल्स कहलाते हैं क्लोज लूप सिस्टम के। तो सिंपली इस वन प्लस जी एस एच एस इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन में एस की वो वैल्यूज जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है दे आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और यू कैन से दे आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। अब इसमें क्या चीज ध्यान रखने वाली है आपको, कि दीज टू कंडीशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये दोनों कंडीशन जो है इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ए प्लॉट ऑफ द पॉइंट्स इन एस प्लेन सेटिस्फाइंग द एंगल कंडीशन इज द रूट लोकस। तो जो एस की वैल्यूज इस सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है और उसको अगर हम एस प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो वो रूट लोकस कहलाता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। द वैल्यू ऑफ गेन करस्पॉन्डिंग टू ए रूट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन नोन एज मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो एस की जिस वैल्यू के लिए, मान लीजिए एस की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक, तो एस की उस वैल्यू को जब हम फर्स्ट कंडीशन में रख के उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो गेन कंडीशन निकालेंगे, ठीक है, तो वो आपको वैल्यू ऑफ गेन देगा करस्पॉन्डिंग टू दैट रूट।
अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया से कंसीडर अ सिस्टम हुज से, हमने ये कहा एग्जाम्पल। अब मान लीजिए हमने कोई सिस्टम कंसीडर किया जिसका जो GSHS है, GSHS दिया हुआ है K अपॉन S इंटू S प्लस 4 इंटू S प्लस 5, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड वेदर S इक्वल टू -1 इज ऑन रूट लोकस और नॉट यूजिंग एंगल कंडीशन। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि S इक्वल टू -1 इज ऑन रूट लोकस और नॉट यूजिंग एंगल कंडीशन। एंगल कंडीशन का यूज करके हमको ये फाइंड आउट करना है कि S जो है ये रूट लोकस पे लाई कर रहा है कि नहीं। अब हमें मालूम है कि एंगल कंडीशन क्या होती है, तो अभी हमने पढ़ा है एंगल कंडीशन हो गई एंगल ऑफ GSHS, ठीक है। एंगल ऑफ GSHS शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 180 डिग्री इंटू 2K प्लस 1, ये होना चाहिए। अब एंगल ऑफ GSHS S की वैल्यू -1 रखने पे कितना आएगा, तो इसको जब आप रखेंगे तो जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है वो है K, मान लीजिए K को हमने J इंटू 0 लिख लिया, डिवाइडेड बाई S को हमने लिखा -1 प्लस J 0 इंटू, इसको हमने लिखा S प्लस 4, तो S को जब आप -1 यहाँ पे आप रखेंगे S प्लस 4 में, तो ये बचेगा 3 प्लस J 0, और यहाँ पे S को -1 रखेंगे तो 4 प्लस J 0 ये आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम जब एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो ऊपर तो हो गया 0 डिग्री, नीचे हो गया आपका 180 डिग्री इंटू 0 डिग्री इंटू 0 डिग्री, तो ये कितना आ गया माइनस का 180 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस एंगल ऑफ GSHS, एंगल ऑफ GSHS इज इक्वल टू माइनस का 180 डिग्री, ठीक है, एट S इक्वल टू -1। और एंगल कंडीशन क्या है, एंगल कंडीशन देखिए, यहाँ पे आप K को 0 रख देंगे तो माइनस का 180 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब कि दिस सेटिस्फाइज द एंगल कंडीशन, एंगल कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस S इक्वल टू -1 इज ऑन रूट लोकस, यानी ये पॉइंट रूट लोकस पे है। अब इसमें क्या होगा, अब इसी पे अगर हमें जैसे गेन निकालना है तो क्या करेंगे, इसी पॉइंट को हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड कंडीशन के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कंसीडर दिस एग्जांपल फॉर मैग्नीट्यूड कंडीशन, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एट विच एस इक्वल टू -1 इज ऑन द रूट्स ऑफ 1 प्लस जीएस इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ जी एस एच एस एट एस इक्वल टू -1 ये कितना होना चाहिए 1, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ के डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ -1 इंटू मॉड ऑफ -1 प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ -1 प्लस 5 शुड बी इक्वल टू 1। तो यहां से जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 में से 1 गया 3, 5 में 4 3 12, ये आ जाएगा 12। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर k इक्वल टू 12, वन ऑफ द थ्री रूट्स इज लोकेटेड एट s इक्वल टू -1, यानी कि k इक्वल टू 12 वैल्यू के लिए तीन में से वन ऑफ द थ्री रूट्स, ये जो तीन रूट है आपके उनमें से एक रूट लोकेटेड है कहाँ पे, एट एस इक्वल टू -1 पे, और बाकी के दो रूट जो है, रिमेनिंग टू रूट्स कैन आल्सो बी इजिली कैलकुलेट इन द सेम मैनर। तो
तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, हो गया होगा कि रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, एज की वो वैल्यूज जो एंगल और मैग्नीट्यूड कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।